अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ये है एक दावत का व्लॉग और मेरे चैनल पर इस तरीके का ये ऐसा पहला व्लॉग है। सो यूएई में रहते हुए हमें तकरीबन 7 साल होने को आए हैं और इन 7 सालों में मैंने पहली बार जो है ना वो किसी की दावत की है, और चूँकि कोई पहला एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी होता है और काफ़ी नर्वसनेस भी होती है, तो यही सिचुएशन जो है ना वो मेरे साथ भी थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी बन गई थी और सारी डिशेज़ जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और चूँकि पहला एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ जो है ना वो मैंने नहीं ऐड की थी। तो जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। पर ये मेरी फर्स्ट ग्रेवी थी, फर्स्ट मेन डिश थी जो कि था चिकन कोरमा। तो यहाँ पर मैंने 1 kg जो चिकन लिया था उसके अंदर मैंने 2 tablespoon भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, नमक है, हल्दी है और 2 tablespoon जिसमें है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 200 ग्राम के करीब जो है दही है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम जो है वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितना भी टाइम पॉसिबल हो, बट उसको थोड़ा सा रेस्टिंग का टाइम ज़रूर दीजिए। अभी यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो गया है तो एक पैन में ऑयल लेंगे और इन चिकन के पीसेस को जो है इसमें हम डाल देंगे। और बस इसके अंदर चूँकि दही होता है तो दही जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो थोड़ा मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर जो है ना वो इसे आपने अच्छे से मिक्स करके जो है वो भुनना है, तब तक जो है इसका दही का सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अभी यहाँ पर दही का सारा पानी ड्राई हो गया है ना, तो मैंने 3 medium size के टमाटर लिए थे, उनका ब्लेंड करके अच्छे से प्योरी बना लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब टमाटर डालने के बाद वापस से जो है हम इसे भुनेंगे अच्छे तरीके से ताकि टमाटर भी अच्छे से हमारे कुक हो जाएं। अभी देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से जो टमाटोज है ना वो भी हमारे कुक हो गए हैं। तो अब एक और फाइनल इंग्रेडिएंट हमें इसके अंदर डालना है। अब ये सेम जार है जिसे मैंने टमाटर जो है वो ब्लेंड किया था, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्राइड अनियंस। ये मैंने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे, अगर आपने पहले नहीं किए हैं ना तो चिकन डालने से पहले आप फ्राई करके निकाल लीजिए। इसके साथ साथ मैंने काजू लिए हुए हैं, इन दोनों को मिला करके मैंने इसका एक पेस्ट जो है वो रेडी किया हुआ है और अब इस चिकन में जो है हम इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही सिंपल डिश थी ये, मगर बहुत ही टेस्टी, जिस तरीके से किसी रेस्टोरेंट में आपको मिलती है ना बिल्कुल वही रिचनेस, वही फ्लेवर जो है ना वो इस डिश में भी था। तो ये तो एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपका टाइम भी बहुत सेव होगा और आपके मेहमानों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब कि अपने सारे एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ कि मेरे मेहमानों को और खुद मेरे घर वालों को क्या क्या चीज़ें पसंद आई थी। और अब बस जो पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से थोड़ा सा और 4-5 मिनट के लिए भून लिया था और अब सारी भुनाई जो है वो अच्छे से हो गई थी। तो अब जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया है, साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है क्योंकि थोड़ा सा खटास बैलेंस करने के लिए चीनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। एंड में गया है गरम मसाला जो कि होममेड है और इसकी जो रेसिपी है ना वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। बस सारी चीज़ों को मिक्स करके हम जो है वो बस इसे 4-5 मिनट के लिए कुक कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट मेन डिश है चिकन कोरमा वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हमारी सेकेंड डिश है जो कि है मटन कोरमा। वैसे तो दोनों ही कोरमा है बट दोनों की रेसिपी बहुत अलग है और दोनों का ही जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अलग है। अभी यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च। अभी अच्छे से क्रैकल हो गया है तो इसके अंदर 2 tablespoon भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। कुछ सेकेंड तक सॉटे करने के बाद मैंने इसके अंदर मटन के पीसेस जो है ना वो डाल दिए हैं। अभी हम जिंजर गार्लिक के साथ जो है ना इन मटन के पीसेस को अच्छे से भून लेंगे जब तक इनका जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से जिंजर गार्लिक के साथ आप किसी भी चीज़ की भुनाई करो ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 tablespoon भर करके धनिया पाउडर और साथ में है जीरा और काली मिर्च का पाउडर। इसकी भी रेसिपी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है मैं किस तरीके से घर में इसे प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में जाएगा नमक। इन सारे स्पाइसेस को डाल करके और साथ में मैंने ना थोड़ा सा कोरमा मसाला डाल दिया था 1 tablespoon के करीब। अगर आप ना भी डालोगे ना तो भी जो इसका फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। सिंपल घर के मसालों से भी ये डिश जो है ना वो बहुत टेस्टी बन करके रेडी होती है।
अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ना 3 मीडियम साइज की जो है प्याज ली थी, उसे जो है ना रफली मैंने इसे चॉप कर लिया है। थोड़ा मोटा मोटा भी चॉप करके डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाद में जो है वो गल जाती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक का हम इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ना इसे कुक करेंगे, ताकि जो मसाले हैं ना वो हमारे अच्छे से थोड़े से कुक हो जाएं। अभी यहाँ पर मसाले देखो थोड़े से भुन भी गए हैं, और लेकिन अभी गोश्त को हमें गलाना है ना, तो हमें इसे प्रेशर देना होगा। तो अब यहाँ पर मैं जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी, क्योंकि पानी इसके अंदर है तो, बट अगर थोड़ा सा कम भी पड़ जाए तो फिर वो मसाला लगने का चांस होता है। तो बेटर है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क ना लेते हुए पानी डाल दिया जाए। और अब जो है हम इसका लिड लगा देंगे, और तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसे बस पकाया था, और जो गोश्त था ना हमारा काफ़ी अच्छा टेंडर हो गया था। अभी मैंने इसे ना एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि इसकी भुनाई करनी है ना, तो बर्तन में डालने से थोड़ा सा अच्छे से भुनाई जो है ना इसकी हो जाती है। अब देखिए भुनते हुए मुझे 4-5 मिनट से ऊपर हो गया था, तो देखिए किस तरीके से इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अराउंड 110-120 के करीब के ना मेरे पास दही था, इसे अच्छे से बीट कर लिया है और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बाकी मसाले तो हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब दही के साथ जो है ना हमें कुछ देर के लिए इसे पकाना है, ताकि जो दही का पानी है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और दही भी जो है वो कुक हो जाए। अभी यहाँ पर देखिए दही के साथ ही बहुत अच्छे से जो है वो हमारा मटन बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अब जो है ना इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा गर्म पानी, ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना वो हम लगा सकें। तो जितना आपको थिक या तो पतला ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से आप जो है इसके अंदर पानी डाल दीजिए। इसके बाद जो लास्ट क्लिप थी ना मेरी बिल्कुल रेडी होने के बाद की, वो मिस हो गई। तो मैंने सोचा था कि जब मैं मेहमानों को मतलब सर्व करूँगी, डिश आउट करूँगी, तब उस टाइम पर मैं लूँगी, बट थोड़ा सा उस टाइम पे गड़बड़ हो गई तो मेरे माइंड से जो है वो निकल गया, तो मैं लेना भूल गई। तब यहाँ पर जो है ना हमने गर्म पानी डालने के बाद इसके अंदर मैंने हाथ से थोड़ा सा ना फ्राइड अनियन को चूर करके डाल दिया है, और बस हमारा जो मटन है ना बस अभी 5 मिनट ये थोड़ा धीमा से पकेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया। अब आते हैं स्टार्टर की तरफ। तो स्टार्टर में द फर्स्ट स्टार्टर जो था वो चिकन लॉलीपॉप, ये मैंने बच्चों की चॉइस को माइंड में रखते हुए बनाया था, क्योंकि बच्चों को लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर 500 ग्राम लॉलीपॉप था, जिसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर है, और साथ ही मैंने ना रेड चिली पाउडर भी डाला है और सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को मिला करके मैंने इसका फर्स्ट मैरिनेट जो है ना वो रेडी किया है। आप डायरेक्टली जब पूरा बैटर बना करके इसके अंदर डाल देते हो ना, उससे जो फ्लेवर है वो बहुत अलग होता है। इस तरीके से फर्स्ट मैरिनेट करने के बाद जब अगर आप उसे दूसरे मैरिनेट करो ना, तो जो फ्लेवर्स है ना वो सारे के सारे डायरेक्टली आपके चिकन पे लगते हैं ना, तो अंदर तक आपका जो चिकन है ना वो फ्लेवर्ड बनता है। तो इस तरीके से अगर आपने कभी नहीं बनाया हो ना, तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको फ़र्क भी समझेगा और आपको ये मेथड पसंद भी बहुत आएगा। अब सेकंड मैरिनेट के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना वो कॉर्नफ्लोर मैदा हाफ हाफ ले लिया है, उसके अंदर है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, शेजवान चटनी और कलर। इन सारी चीज़ों को डाल दिया है, पानी डाल करके अच्छे से इसका एक थिक बैटर जो है वो हम रेडी कर लेंगे, और अब जो बैटर बनाया है वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो बस अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, तो जो हमारा इसका मैरिनेशन का काम है ना चिकन लॉलीपॉप का, वो कम्प्लीट हो। ये क्लिप जो है जब मेहमान मतलब आने ही वाले थे जस्ट, उससे पहले का है, जब मेन जो फ्राइंग का काम होता है हमारा फ्रेश वो हो रहा है, तो यहाँ पर तेल थोड़ा अच्छे से गर्म हो गया था ना, तो उसके बाद उसकी हीट को लो करके मैंने जो है वो फ्राइज कर लिए थे सारे चिकन को, और छोटे छोटे लॉलीपॉप के पीसे थे ना बड़ी जल्दी कुक भी हो गए थे और काफ़ी अच्छे बने भी थे। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो इनका लुक आया हुआ है। अभी यहाँ पर आते हैं हम चिकन स्टार्टर की तरफ, जो कि मैं बना रही हूँ चिकन रशियन कटलेट। और इसके लिए मैंने पैन में लिया है 50 ग्राम के करीब बटर, और इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा डाला है। अब थोड़ा सा धीमी आंच पर जो है हम इस मैदे को भुनेंगे, ताकि जो कच्चापन है ना वो चला जाए। इसके अंदर मैंने थोड़ा 1 टीस्पून के करीब जो है वो फ्रेश क्रीम भी डाली है, आप चाहें तो या तो स्किप कर दें या तो इसकी जगह पर घर पर जो मलाई होती है वो डाल सकते हैं। अभी चीज़ें हमारी थोड़ी भुन गई थी अच्छी से धीमी आंच पे, तो इसके अंदर मैंने गाजर को ग्रीन चिली के साथ अच्छे से मिला करके नौसी में मैंने एक साथ ही दोनों को फाइनली चॉप कर लिया था हैंड चॉपर में।
ताकि थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसीनेस भी जो है वो ऐड हो जाए। अब गाजर को मैंने ना थोड़ा सा अच्छे से भून लिया, तो उसके बाद मैंने कैप्सिकम भी डाल दी है उसके अंदर। ये दोनों भी थोड़ी पक चुकी थी, तो मेरे पास ये कैबेज भी थी, क्योंकि दावत है तो थोड़ा सा सैलड ड्रेसिंग और डेकोरेशन के लिए जो है वो सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो मैं ये भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे भी हम ऐड कर दें। इसमें मैंने डाल दिया था नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें मैं डाल दी हूँ रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस जो मैंने डाल दिया था। तो बस आज सारी चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन को बॉइल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक और ब्लैक पेपर डाल करके मैंने इसे जो है वो बॉइल किया हुआ था। चिकन को भी पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोज डालेंगे। जितना चिकन है थोड़ा सा उससे ज़्यादा डबल के करीब जो है ना आप जो है वो टोमेटो पोटैटोज को ले लीजिए। अब बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और सब चूँकि कुक्ड हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसे कुक करेंगे ना, तो सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब बस हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसकी टिक्की बनाएंगे। अभी यहाँ पर जितना बड़ा आपको टिक्की चाहिए और जिस साइज का शेप का चाहिए अब बना लीजिए, उसके बाद आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से इसकी शेप होल्ड हो जाती है, तो बाकी के प्रोसेस आपके इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग लेकर मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला था और उसे मिक्स करके फिर आप एग में डिप करके सेवई में कोट कर लीजिए, और अब बस इसे हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जो है ना वो रशियन कटलेट बन करके रेडी हुआ था। दोनों ही ग्रेवी, दोनों ही स्टार्टर बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और रेसिपीज़ जो है वो फुल प्रूफ हैं, तो आप जो है वो आँख बंद करके जो है ना इसे ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे डिज़र्ट की तरफ, जो कि मैंने बनाया था शाही टुकड़ा। तो यहाँ पर ब्रेड को बस मैंने इसके किनारे जो है ना वो निकाल लिए हैं और इस तरीके से ट्राइंगल शेप में इसे कट करके, और फिर मैंने ना इसे असली घी में जो है ना वो पूरा फ्राई किया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना मैं ये कस्टर्ड पाउडर का जो घोल बना रही हूँ, क्योंकि 2 लीटर दूध मैंने लिया था, इसे 10 मिनट मैंने अच्छे से जो है ना वो बॉईल किया, फिर उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला, उसके बाद इसके अंदर मैंने सैफरन के धागे भी डाले और चीनी डाल करके मैंने अच्छे से उसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक का कुक किया है। और अब बस मैं इसे इस ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे काजू और पिस्ता के साथ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डन है और बस मेहमान भी आ गए हैं, हमारा दस्तरखान सज चुका है। तो आप लोगों को आज का दावत का मेन्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।